नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे और सबसे पहली खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। जी हां, अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। अधिकारियों द्वारा सभी व्यवस्थाओं की जांच की गई। यात्रा पहलगाम के नुनमन बेस कैंप और मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बालतल के 2 पारंपरिक मार्गों से शुरू होती है, जो 31 अगस्त तक जारी रहेगी। इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिनों तक चलने वाली है। तो मॉक ड्रिल किया गया यात्रा की शुरुआत होने से पहले संयुक्त रूप से। आपको बता दें कि अब वो दिन करीब आ चुका है। जी हां, 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसलिए तमाम अधिकारी लगातार मॉक ड्रिल कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था और सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर चीजों पर नजर रखी जा रही है। इसीलिए तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि अधिकारियों द्वारा जो मॉक ड्रिल किया गया वो सभी व्यवस्थाओं की जांच करते हुए देखे गए। आपको बता दें कि यात्रा अमरनाथ यात्रा पहलगाम के नुनमन बेस कैंप से आगे बढ़ती है और वहीं मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बालतल के ये 2 पारंपरिक मार्ग हैं जहां से यात्रा आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा अगर यात्री निवास की बात करेंगे तो यात्री निवास पर भी तमाम तरह की सुविधाएं रखी गई हैं। ना सिर्फ यात्री निवास के अंदर सुविधाएं हैं बल्कि आसपास सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। तस्वीरें न्यूज 18 JKLH ने आपको दिखाई थी, जहां पर CRPF के घेरे में, चाहे नगरोटा की बात करें यात्री निवास की या भगवती नगर की बात करें, वहां पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। इसके अलावा रहने खाने पीने के इंतजामात की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो उस पर भी लगातार प्रशासन इंतजामात में कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहता है। वहीं अगर बात यात्रियों की करें, भक्तगणों की बात करें, तो वो अब आना शुरू हो जाएंगे और इस यात्री निवास में उनका कैंप होगा। फिर उसके बाद वो यात्रा का पहला जत्था उनकी रवानगी होगी। इसके अलावा अगर बात साधु संतों की करें तो साधु संत पहले ही आ चुके हैं जम्मू के कई मंदिरों में, उनको उनका निवास करवाया गया है। कल न्यूज 18 JKLH ने रिपोर्ट भी इस हवाले से दिखाई थी कि साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं, कौन कौन से इलाके से साधु संत पहले ही पहुंच चुके हैं। लेकिन भक्तगणों का इंतजार पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर और अमरनाथ यात्रा को हवाले से जो तैयारियां हो रही हैं उससे समझ आ रहा है कि किसी भी तरह की चूक ना हो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इलाका होता है और अमरनाथ यात्रा पर दुश्मन की भी नजर होती है और कहीं ना कहीं इस यात्रा में खलल डालने की कोशिश दुश्मनों की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से होती है। इसी लिए सुरक्षा की दृष्टि से हर उस चीज को खंगाला जा रहा है, हर उस चीज पर नजर बनाए रखी जा रही है ताकि किसी तरह की कोई कोताही चूक ना रह पाए। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से होने वाली है और इसलिए इससे पहले मॉक ड्रिल की गई है, कैसे कैसे यात्रियों को सुविधाएं देनी है, कैसे कैसे यात्रा आगे बढ़ेगी। इसलिए तमाम सुरक्षा बलों की तरफ से संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया गया कि जब यात्री जम्मू पहुंच जाएंगे तो किस तरह से उनका स्वागत करना है और किस तरह से उनका सहयोग करना है। तो अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है, इसको लेकर मॉक ड्रिल किया गया। सुरक्षा के किस तरह से बंदोबस्त है आप देख सकते हैं। जम्मू शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि आसपास के लोगों को तमाम तैयारियों को कहीं ना कहीं आखिरी चरण में पहुंचा दिया गया। हमारे साथ सुरेंद्र जुड़े इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ यात्रियों का इंतजार हो रहा है बल्कि अब पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से हो रही है। इसके अलावा आज का दिन है, आज 28 तारीख है, आज क्या कुछ किया जाना है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? देखिए सुना,
जिस तरह से लगातार जो कि हमारी फोर्सेस जो है मॉकड्रिल कर रही थी, काफी दिनों का इंतजार था कि ये हमारे अपना यात्रा स्टार्ट होगी, लेकिन 5 तारीख को जो हमारी यात्रा स्टार्ट होगी उसके लिए पूरी तरह से जो उसके लिए अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी की व्यवस्था है पूरी तरीके से कर दी गई है। आज की बात करें तो आज जम्मू भगवती नगर से एक मॉकड्रिल की शटल में एक पूरा काफला निकला था, जिसमें सीनियर ऑफिसर जो थे फोर्सेज के वो भी उसमें थी, और ये नेशनल हाईवे होते हुए उधमपुर से होते हुए रामबन तक ये इन्होंने एक मॉकड्रिल का वो किया था। और इसमें आज तो सभी फोर्सेज रहती हैं, चाहे सीआरपीएफ की बात करें, स्टेट पुलिस की बात करें, एसएसपी की बात करें, जेएसएफ की बात करें, सभी फोर्सेज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इसके साथ जुड़े हुए थे। तो आज सुबह ही ये मॉकड्रिल हुई है और कोशिश यही है एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की, कि जो हमारी अमरनाथ यात्रा है इसको तरह से स्मूथ कनेक्ट किया जाए। जी, इसके अलावा क्या कुछ और प्रशासन की तरफ से कोशिशें आज की जाने, क्योंकि आपने कहा कि सुबह सवेरे ही मॉकड्रिल की गई और ये काफिला यहाँ से रवाना हो चुका है, उधमपुर होते हुए रामबन जाएगा, तो क्या ये जानकारी मिल पाई है ये काफिला रामबन पहुंच चुका है? अगर रामबन पहुंचा है तो क्या वहां पर भी किसी तरह की मॉकड्रिल की जानी है? जी देखिए, ये रामबन ये पहुंच चुके हैं और नेशनल हाईवे पे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे इस काफले के साथ थे, वो कहाँ कहाँ से क्या क्या डिप्लॉयमेंट होनी है और की गई डिप्लॉयमेंट है उसको क्या किया गया, और एक तरह से एक पूरी आज यात्रा की शक्ल में इन्होंने निकाला था और इसमें पूरी तरीके से सिक्योरिटी के खासकर आज का जो मॉकड्रिल था वो सिक्योरिटी को लेकर था, सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम कर दिए गए हैं। हमारी यात्रा जो है वो फर्स्ट स्टार्ट है और उसके लिए हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो लगातार नेशनल हाईवे पे ग्रुप्स जो है वो चल रहे हैं ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो और यात्रा जो है ठीक तरीके से चल पाए। बिल्कुल, तो यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा सके इसके लिए किसी तरह की कोई कोताही ना रहे, और इसीलिए ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ पाई हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की एक बस है, इसमें तमाम अधिकारी मौजूद हैं और जैसा कि सुरेंद्र ने कहा कि ये मॉक ड्रिल करते हुए अधिकारी रामबन तक पहुंचे जम्मू से निकलकर उधमपुर होते हुए। इसके अलावा सुरेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि हम ये जानते हैं कि दो बेस कैंप से यात्रा आगे की ओर बढ़ती है और जम्मू निवास स्थान पर यात्रियों का, भक्तगणों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है क्योंकि वहां पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कैसे ये काफिला आगे की ओर बढ़ता है? जो भक्तगण होते हैं वो पहले जम्मू पहुंचते हैं, फिर उसके बाद किस तरह से ये आगे का पड़ाव इनका शुरू होता है, इस हवाले से जानकारी दें। फर्स्ट डे जो यात्रा जम्मू से निकलेगी तो रास्ते में काफी व्यवस्था की गई होती है, लंगर लगाए गए हैं, और आज बात करें तो उधमपुर से लेके जम्मू से लेके कई लंगर जो है बड़े लंगर से लगते हैं क्योंकि भक्तजनों को कहीं किसी की कोई परेशानी ना आए, पानी को लेके, खाने को लेके, चाय को लेके, वो सब चीजें वहां पे बिल्कुल एक स्मूथ तरीके से लगाई गई हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जम्मू से जब निकलती है तो उसके जितने भी हमारे नाके होते हैं वहां पे सीनियर किस्म के ऑफिसर्स को तैनात किया जाता है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों चाहे हम पुलिस की बात करें, ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी यात्री उनको आते हैं उनको ना हो, अच्छे तरीके से उनको पानी से लेके बिल्कुल तो हर तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में प्रशासन की तरफ से बल्कि लंगरों के अहतमाम की बात जैसा कि सुरेंद्र ने कहा तो दिल्ली से भी कई ऐसी टीमें हैं जो रवाना हो चुकी हैं ताकि वो भक्तगणों की खिदमत कर सके, उनकी सेवा कर सके। तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान ये रिवायत रही है, हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब भी उस वक्त दिखाई देता है कि मुसलमान जितने लोग रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट और मदद करते हुए दिखाई देते हैं भक्तगणों को। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र और इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है और इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। उधर जम्मू कश्मीर में ईद की तैयारियां जोरों पर हैं, जगह जगह ईद के लिए सजाए गए हैं बाजार। दुकानदारों की शिकायत है कि इस ईद सीजन में कारोबार सबसे कम है, बकरों पर इसका साफ नजर आ रहा है असर। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ईद की तैयारियां जोरों पर है, जगह जगह ईद के लिए बाजार सजाए गए हैं, बाजारों में रौनक देखी जा रही है, लेकिन दुकानदारों को अफसोस भी और शिकायत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस बार ईद के सीजन में कारोबार सबसे कम है। कारोबारियों का ये कहना है क्योंकि बकरों पर महंगाई का असर साफ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात ईद की नमाज की करें तो श्रीनगर में दरगाह हजरत बल में ईद की नमाज अदा की जाएगी, तो दूसरी तरफ उतनी चहल पहल बाजारों में व्यापारियों के जरिए द्वारा ये कहा गया कि नहीं दिखाई दे रही है जैसी पहले रहा करती थी,
इस बार की ईद थोड़ी फीकी उन्हें नजर आ रही है, लेकिन बाजारों की रौनक की अगर हम बात करें तो बाजार में खूब रौनक दिखाई दे रही, चाहे वो सिवाई की दुकान हो या फिर ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हो। अगर बकरा मंडी की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि पहले जिस तरह से अफरा तफरी या भीड़ होती थी बकरा मंडियों में, इस बार कम भीड़ दिखाई दे रही है क्योंकि महंगाई का असर इन पर आन पड़ा है, ये व्यापारियों का दुकानदारों का कहना है। अफसोस जाहिर करते हुए तमाम लोग देखे गए। हमारे साथ हमारे संवाददाता तरोश कफील जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, किस तरह की तैयारियां और किस तरह से दुकानें सजी हुई दिखाई दे रही हैं। सरोज, श्रीनगर की खासकर अगर हम बात करें ईद की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ तैयारी, वही आवाम किस तरह से रद्देमल का इजहार कर रहे हैं, तो बकरा मंडी की तस्वीरें हमने दिखाई नाजरीन को, दर्शकों को, वहां पर उतनी भीड़ दिखाई दे नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने देखा होगा कल ही एलजी मनोज सिन्हा जो है उन्होंने एक रिव्यू लिया था ईद उल अधा का, हजरत बल दरगाह पे गए थे, वो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा अंद्राबी भी उनके साथ थी। उसके मजीद हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ले तो एसएमसी कमिश्नर जो है श्रीनगर म्यूनसिपल कमिश्नर, उन्होंने भी एक एडवाइजरी पास की थी कि जितने भी कुर्बानी के जो आप जानवर के लीजिए उनकी जो भी बस्ते होते हैं उनकी जो खाल होती है उनके लिए पर्टिकुलर गाड़ियां आएंगी और वो गाड़ियों में वो खाल लेके जाएंगे ताकि किसी भी तरीके का जो है एरिया जो है वो खराब ना हो, तो साथ साथ में ही एरिया जो है सारा सैनिटाइज किया जाए। उसके मजीद जो है डीसी श्रीनगर जो है एजाज असद, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी कल, उसमें रिव्यू किया था कि प्राइस के हवाले से इस वक्त काफी सारी कंप्लेंट्स आती हैं, स्पेशली आपको बता दें सब्जी हो गई या मटन हो गया उसके हवाले से काफी कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसका भी इस वक्त उन्होंने जायजा लिया था। और उसके मजीद आपको बता दें यहाँ पे कि माफ कीजिएगा आपकी आवाज नहीं आ रही है, सरोज आप अपनी बात कंटिन्यू करें। सरोज शायद कोई तकनीकी दिक्कत हो गई है, आप तक आवाज, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। सरोज हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हमारे संवाददाता, उनका ये कहना है कि जो प्रशासनिक तौर पर अगर ईद के हवाले से तैयारियों की बात करें तो प्रशासन अलर्ट पर है, पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है कि किसी भी तरह की कोई जो तैयारियों में चूक है वो ना रह जाए, क्योंकि अगर कुर्बानी के जानवरों की अगर बात करें और अगर साफ सफाई की बात करें तो उसके लिए श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा जैसे कि तस्वीरें और सरोज ने भी बताया कि पिछले दिनों हमने देखा कि राज्यपाल मनोज सिन्हा और उनके साथ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा अंद्राबी भी पहुंची थी हजरत बल, क्योंकि हजरत बल दरगाह में ही ईद उल अजहा की नमाज अदा की जानी है, तो इसलिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, हतमी शक्ल भी उसे दी जा रही है, एक दिन और बचा है। आज भी प्रशासन की तरफ से कई तरह की रिव्यू मीटिंग ली जाएंगी ताकि अहसन तरीके से नमाज ईद हो सके। और इसके अलावा प्रशासन का ये भी जोर है, जैसा कि सरोज ने बताया कि वो रेट लिस्ट और लोगों की शिकायत पर भी ध्यान दे रहे हैं। दुकानदार तो मायूस है, उनका कहना है कि पहले के मुकाबले इस बार महंगाई का असर ज्यादा है, इसलिए लोग कम दुकानों और बकरा मंडियों में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा लोगों का ये मानना है, लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि रेट काफी बढ़े हुए हैं। सब्जियों की बात करें, अगर बात गोश्त की करें तो उसके भी दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको कई जगह की खबर दिखाई थी जहां पर टमाटर के भाव जो हैं, टमाटर के दाम जो हैं वो 100 के पार हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इस महंगाई के असर से भी परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सरोज का, सरोज अपनी बात कंटिन्यू करें, जो आप बात कह रहे थे तफसीलात दे रहे थे प्रशासनिक अमले की तरफ से जो रिव्यू मीटिंग की जा रही है उसके हवाले से क्या कुछ जानकारी है मजीद। बिल्कुल बिल्कुल सना, आपको बता दें कि जो ये रिव्यू मीटिंग हुई इसमें काफी सारी चीजें सामने आई। आपको बता दें सबसे पहला जो इश्यू यहाँ रहता है वो ट्रैफिक का रहता है, तो एक स्पेशल ट्रैफिक एडवाइजरी पास की गई थी जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने खुद एक इंटरेस्ट लिया था, और वो जब डीसी से मिले कल जब वो हजरत बल दौरे पे गए थे वहां पे उन्होंने डीसी से बात की, एक तो यही कि जैसा हम अभी आपसे कह रहे थे कि जितनी भी स्किन जो खाल होती है कुर्बानी के जानवरों की उनको कैसे असर्ट किया जाए, एक उनको कैसे मैनेज किया जाए। और उसके मजीद आपको बता दें यहाँ पे सना कि अगर आप मार्केट के हवाले से इस वक्त बात करें, जितने भी यहाँ बिजनेसमैन हैं या छोटे एमएसएमईज हैं या आप कह दीजिए छोटे शॉपकीपर्स हैं, कहीं ना कहीं इस वक्त उनकी ये शिकायत है कि जो
कहीं ना कहीं, जी माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं उनकी ये शिकायत है इस वक्त कि मार्केट जो है, ईद जो है, इस बार उनको वैसा बिजनेस नहीं मिल रहा है। उसके कारण शायद कहीं ना कहीं ये है कि मनी फ्लो जो है, मनी फ्लो काफी कम है, तो उस वजह से जो बिजनेस है ईद का, जो एक एक्सपेक्टेड बिजनेस था या फुटफॉल था, वो कहीं ना कहीं कम है। और यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो इस वक्त वो ईद का रश होता था या एक वो आप कह लीजिए एक जील और जेस्ट, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। बिल्कुल, जो किसी तकनीकी खराबी के चलते मुझे लगता है किसी और तरह से आवाज आप तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे भी आपसे जुड़ेंगे कि आज भी मीटिंग प्रशासनिक तौर पर रखी गई है और क्या कुछ चीजें बची हैं जिस पर आज ध्यान रखा जाना है, क्योंकि कल नमाज ईद अदा की जानी है ताकि किसी तरह की कोई दुश्वारियां ना आए। इसके अलावा ट्रैफिक एडवाइजरी के हवाले से भी कई फैसले लिए गए हैं, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से आपका स्वागत करते हैं, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आगे बढ़ेंगे, हिमाचल शिक्षा विभाग में जल्द 5,200 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, इसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इस बार भर्ती के लिए सरकार नया तरीका अपना सकती है और एक ही साथ सभी शिक्षकों को भर्ती की जाने की तैयारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, हिमाचल शिक्षा विभाग की तरफ से एक अहम फैसला, बड़ा फैसला लिया गया है। जल्द ही 5,200 शिक्षकों की भर्ती हिमाचल शिक्षा विभाग करने वाला है। इसकी रूपरेखा रोड मैप की तैयारी भी की जा चुकी है। इस बार भर्ती के लिए सरकार नया तरीका भी अपना सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं, और एक ही साथ सभी शिक्षकों को भर्ती की जाने की भी तैयारी सरकार कर रही है, शिक्षा विभाग कर रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, हिमाचल शिक्षा विभाग इस बार 5,200 शिक्षकों की भर्ती करने वाला है। जाहिर सी बात है, वो अभ्यर्थी जो शिक्षकों की भर्ती के हवाले से इंतजार लगातार कर रहे हैं, उनका इंतजार कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाला है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने रूपरेखा रोड मैप तैयार कर लिया है और इस बार नया तरीका भी शिक्षकों की भर्ती के हवाले से अपनाने वाली है सरकार। तो राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं शिमला से। राजेंद्र, शिक्षा विभाग रोडमैप तैयार कर चुका है, कहा यह जा रहा है कि कुछ नया तरीका इस बार सरकार अपनाने वाली, शिक्षा विभाग अपनाने वाला है, सभी शिक्षकों की भर्ती होने वाली, 5,200 इनकी तादाद है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, शिक्षकों का इंतजार अब खत्म हुआ जो काफी दिनों से मुंतजर थे कि उनकी कब भर्ती होगी? बिल्कुल, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था शिक्षकों का, क्योंकि अलग अलग विभागों में बहुत से पद शिक्षकों के खाली है, वो चाहे फिर जेबीटी, टीजीटी, सीएनपी की हो या फिर स्कूल लेक्चर, लगभग सभी में बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। और इसको लेकर अब प्रदेश सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है, अब एक कैलेंडर ईयर बनाया जाएगा कि अब जैसे 2024 के अंत तक जितने भी पद खाली होने वाले हैं उन सब का डाटा तैयार करके एक ही बार परीक्षा करवाई जाएगी, और उसी परीक्षा से फिर जैसे जैसे पद खाली होते जाएंगे 2024 के अंत तक, वैसे वैसे नियुक्तियां होती जाएंगी, अपॉइंटमेंट लेटर जारी होते जाएंगे। तो एक नया फॉर्मूला प्रदेश सरकार निकालने की तैयारी में है और इसके माध्यम से ही भरा जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अगले 2 सालों में जितने भी पद खाली होंगे उनका ब्यौरा भी अधिकारी पहले से अपने पास एकजुट कर ले, और फिर उस हिसाब से एक ही बार परीक्षा करवाई जाएगी और उसी से फिर उनकी भर्ती की जाएगी। दरअसल बार बार परीक्षा करवाने से जहां परीक्षा बोर्ड के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ता है, वहीं पिछले दिनों पेपर लीक की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में आज जिस प्रकार से बढ़ रही है, उससे बचने का भी एक तरीका निकालने की। क्या सीमा कुछ तय की गई है कब शिक्षकों की भर्ती के हवाले से नोटिफिकेशन जारी होगा राजेंद्र? इसमें ऐसा ना, अभी थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि डाटा इकट्ठा करने के लिए अभी अधिकारी समय लग सकता है, डाटा इकट्ठा करने के लिए सरकार को समय की दरकार है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अमेरिकी सेब वॉशिंगटन एप्पल पर केंद्र सरकार के फैसले से हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक के सेब किसान लाल हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने वॉशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क 70% से घटाकर 50% करने का फैसला किया है। बागवानों के साथ साथ कांग्रेस भी फैसले को स्थानीय सेब किसानों के साथ धोखा बताकर विरोध कर रही है। आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दे इजाजत, नमस्कार। ये अमेरिका के मशहूर वॉशिंगटन एप्पल के एक बागान की तस्वीरें हैं।
यहाँ के बागानों को पीएम मोदी के हालिया अमेरिका के दौरे से एक सौगात मिली है, लेकिन उससे हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के बागबान परेशान हो उठे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के अमेरिकन दौरे के दौरान जो सेब पर आयात शुल्क 70% से 50% किया गया, वो जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। वॉशिंगटन एप्पल के ऊपर आयात शुल्क घटाना। वॉशिंगटन एप्पल की कई वेराइटीज हैं जो अरसे से भारत में आयात होती हैं। लेकिन साल 2018 में जब अमेरिका ने अपने यहाँ भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पर आयात शुल्क बढ़ाया, तो उसके जवाब में भारत में वॉशिंगटन एप्पल सहित अमेरिका से आयात होने वाले 28 वस्तुओं पर 20% रिटेलेटरी टैरिफ लगा दिया, जिससे वॉशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क बढ़कर 50% से 70% हो गया और भारत में अमेरिकी सेबों के आयात में भारी गिरावट आई थी। मगर पीएम मोदी ने अमेरिका के हालिया राजकीय दौरे के दौरान उन वस्तुओं पर लगाए गए 20% रिटेलिएटरी टैरिफ वापस लेने का फैसला किया, जिससे वॉशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क घटकर फिर से 70% से 50% हो जाएगा, जिसका लाभ अमेरिका को तो होगा ही, लेकिन बाजार में नुकसान भारतीय सेब उत्पादकों को होगा। अरसे से यही हमारी मुतालबा था कि बाहर से जो फ्रूट आ रहा है उस पर टैक्सेस बढ़ने चाहिए ताकि हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर को कुछ बूस्ट मिले। मगर बदकिस्मती की बात है, अब जब वो खुशखबरी हमने सुनी थी, अब बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट ने फिर एक मरतबा वॉशिंगटन एप्पल जो अमेरिका से आता है यहाँ इंडिया में, उस पर 20% टैक्स कम कर दिया, जिसकी वजह से फ्रूट इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और हमारे फ्रूट को की बिक्री में भी इसमें कमी वाकई होगी। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मोदी बना गुजारिश अपील है कि जो इन्होंने ये फैसला किया, जो इन्होंने ये ऐलान किया, इसको वापस ले ले और जो ये हुक्म है इसको वापस ले ले, ताकि हम अपना अपने मुल्क का अपने देश का अपना फ्रूट जो हमारे वादी से है और इसे असर पड़ेगा हिमाचल के एप्पल पर भी और उत्तराखंड के एप्पल पर। मगर चूंकि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो है हॉर्टिकल्चर का जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोव्स में बहुत तशवीश की लहर दौड़ गई है, जिससे कि सीधा नुकसान हमारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के प्रीमियम सेब पर पड़ना निश्चित रूप से तय है। क्योंकि हमारा जो प्रीमियम सेब है उसका डंका जो है पूरी दुनिया में बजता है, खासकर जिला शिमला के हाइट का सेब या किन्नौर का सेब या कश्मीर का कुल्लू डिलीशियस या उत्तराखंड के हाइट का हर्षिल का सेब, ये सारा सेब जो है वो दुनिया में जो है अपना डंका बजाता है। उसके लिए एक बड़ा चैलेंज वॉशिंगटन एप्पल जो है उसके ऊपर जो आयात शुल्क घटाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2018 से पहले जो है वो लगभग 1,00,000 मीट्रिक टन के आसपास वॉशिंगटन एप्पल भारत में आयात होता था, जो कि आज लगभग 20% के करीब रह गया था। स्थानीय सेब बागवान अरसे से विदेश में सेबों पर 100% आयात शुल्क लगाने की मांग करते आ रहे हैं, ताकि बाजार में उन्हें सस्ते विदेशी सेबों से मुकाबला न करना पड़े। उसी मांग पर कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि विदेशों से 50 रूपए प्रति किलो से कम के भाव वाले सेब आयात नहीं होंगे। तब भी बागवानों आयात शुल्क 100% करने की मांग उठाई थी और अब केंद्र सरकार के फैसले को बागवानों के साथ धोखा बताया जा रहा है। और लड़ाई क्या लड़ रहे हैं लोग, प्रदेश के जो बागवान हैं वो 100% की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा जो है आप इम्पोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ाएंगे तब जाके जो है हिमाचल का या जम्मू कश्मीर का जो सेब है वो मार्केट में कम्पीट कर पाएगा। तो आपकी कमिटमेंट थी, आप अपनी कमिटमेंट से पीछे हटे हैं। तो ये इसके लिए मुझे लगता है कि जो प्रदेश के बागवान हैं, इनकी जो हमारी और संस्थाएं हैं, वो सब मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और सरकार भी इसको बार बार टेकअप कर रही है कि आप जो है 100% को इसको करें। तो ये अपने आप में एक वायदा खिलाफी है प्रधानमंत्री जी की, कि प्रॉमिस करने के बाद आपने किया क्या कि उल्टा जो है वॉशिंगटन एप्पल पे 20% इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी। सवाल यह है कि क्या सरकार फिर से बागवानों को लेकर आयात शुल्क और विदेशी सेबों के न्यूनतम मूल्य को लेकर कोई फैसला लेगी, जिससे स्थानीय बागवानों को राहत मिल सके। रणबीर सिंह, न्यूज 18, शिमला।